नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज मैं टॉप 250 क्वेश्चंस लाई हूँ, भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। किसको हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेटल। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? अटलांटिक महासागर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। सबसे घना आबाद शार्क देश कौन सा है? बांग्लादेश। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा होता है? बैरोमीटर। बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। दोस्तों ये वन लाइनर की तरह है, वन लाइनर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में आपके लिए लाई हूं। नेक्स्ट है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। विश्व में मक्का की पेटी कॉर्न बेल्ट किस देश में पाई जाती है? यूएसए में। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर। प्रसिद्ध अंगुलियानुमा झील किस क्षेत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु। पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? ऑक्सीजन की। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के खनन के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है। लाल सागर भूमध्य सागर में किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? स्वेज नहर के द्वारा जुड़े हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? सीस्मोग्राफ से। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। ग्रेट चैनल किसको पृथक करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? फिलिस्तीन। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं भूपट्टी। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? क्यूबा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? चावल का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। रिक्टर स्केल क्या मापता है? भूकंप की तीव्रता। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71%। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? यूरोप में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है काला सागर। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगवंशी, कजाकिस्तान में है ये। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? भूमध्य सागरी में। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है बगदाद। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? न्यूयॉर्क सिटी नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? चेगा प्रदेश में। कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं? 6। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली।
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से संबंधित है नीली क्रांति। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? कनाडा के पास। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? लावा से। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नीलगिरी किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? एवॉन नदी के किनारे बसा है रोम नगर। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है? मकराना से। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? शनि। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन। गोबी मार्केट किस देश में स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? एलिफेंटा। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म किसे चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है सातवां। दोस्तों 250 क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी यानी भूगोल के, 250 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? दो नदियां और दो राज्य। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। देखिए मैंने एक बार अभी आपको बोला था मिसिसिपी और मिसौरी क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है, दो नदियां हैं या दो राज्य हैं? तो दोस्तों वैसे मैं आपको आंसर दे देती हूँ क्वेश्चन का, ये दो नदियां हैं। ठीक है, फिर है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों अगर आप ये वीडियो एक दो बार देखेंगे तो आपके ये जो चीज़ें हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, ये आपको रट जाने चाहिए। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहरलाल सुरंग किस राज्य में है अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर में। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? अत्यधिक मत्स्य के कारण, मत्स्यन के कारण। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। दोस्तों ये अब 100 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, अब हम और 100 क्वेश्चन करेंगे। भारतीय मतलब हम 150 क्वेश्चन और करेंगे। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। जॉनसन बर्ग किस लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? रोम को। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? गैलीलियो ने। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी से। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? फंडी की खाड़ी में। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों के व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? ओलेरी कल्चर। दामोदर नदी कहाँ निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन निवाना क्या कहलाता है? सेरी कल्चर। ये वन लाइनर जीके में मैं कई आपको बार बता चुकी हूँ सेरी कल्चर। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाना घास का मैदान कहाँ अवस्थित है? अफ्रीका में। रेगिस्तान में बादल अवशेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? अरब प्रायद्वीपीय। डोलड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का क्षेत्र। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर का तटीय भाग। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन देश करता है? फिलीपींस।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोक, विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के प्रयुक्त बनाया जाता है, उपयोग बनाया जाता है? अम्लीय। अब ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा नगर भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? चेन्नई। विश्व का सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ विद्यमान है? नई दिल्ली में। दक्षिण की गंगा नदी को किसे कहा जाता है? कावेरी को। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल, जो कि रूस में स्थित है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? स्वेज नहर। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? खिरगिज जनजाति के लोग। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? मानसूनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? कॉफी के उत्पादन पर। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? स्वीडन की। कौन सी मिट्टी कपास की खेती लिए उपयुक्त होती है? रेगुर। खेबर का दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? इवानेवो को। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? चिल्का, जो कि भारत में है। कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? महाराष्ट्र में। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर। पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन है? अबादान, जो कि ईरान में है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद के किनारे बहती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? मिल्की वे का। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, वरुण। किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? उत्तर प्रदेश की। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। टॉर्नेडो क्या होता है? एक अति निम्न दाब केंद्र। किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। फ्यूजीयामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान का। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? उड़ीसा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। पृथ्वी की भूपर्ची में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम से। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियां। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? काली मिट्टी। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शिकोकू। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में घाना पक्षी अभयारण्य स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून।
ग्रेनाइट सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? एवरडीन। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। विश्व की सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ये एक बार हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके के नापने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, शुक्र। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? घूर्णन के कारण। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? सैलिसबरी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? कृष्णा नदी पर। ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस नदी से है? परिक्रमण से है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सीमा सेंचुरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। दोस्तों कहीं कहीं आपको स्पेलिंग मिस्टेक लगेगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, उसको समझ जाइएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में। लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ के रण में। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? कुमायू हिमालय। डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब समूह क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? मानसूनी प्रदेश। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से है। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? भारत में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? अंगोरा। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? न्यूफाउंडलैंड के पास। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? वुहान को। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है? चीन। मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? नॉर्वे। विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना प्रथम है दोस्तों, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुल्लर। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? लाओस। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। किसे प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? टुंड्रा प्रदेश। बैरन तथा नारकोडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार में। सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमनसेन। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गौन। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? एनएच सेवन है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? लेह मनाली मार्ग। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। व्यापारिक पवने कहां से चलती हैं? उपोष्ण उच्च दाब से। विश्व की सबसे व्यस्त वैवाहिक नदी कौन सी है? राइन नदी। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य राष्ट्र अमेरिका। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात एवं महाराष्ट्र। सूर्य में धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, आगे हम आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। ओके, बाय बाय।